सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 1। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 1। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी लोगों, तुम उस यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करो, उसके जय जयकार में लगे रहो। वचन कहती है कि जय जयकार के साथ साथ उसके करीब आओ। वचन कहती है कि जय जयकार के साथ साथ उसके समीप आने की कोशिश करिए और उसके समीप आते रहो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। कहता है इस बात को जरूर है कि तुम जान जाओ कि वह यहोवा ही परमेश्वर है। कहता है कि जो नहीं जानते वह इस बात को जान जाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं। वचन कहती है कि वही है जो हमको बनाया और तुम्हें बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, और इतना ही नहीं बल्कि हम उसी के हैं, हम किसी और के नहीं बल्कि उस यहोवा परमेश्वर के हैं। वचन कहती है कि हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम क्या हैं? उसकी प्रजा हैं और उसके चराइयों की भेड़े हैं। वह हमारा चरवाहा है, हमें वह चराता है, हमारी रखवाली करता है, हमारी देख रेख करता है। इसलिए वचन कहती है कि वह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा है। इतना ही नहीं बल्कि वह हमारा चरवाहा है और हम उसके चराई की भेड़े हैं। वचन कहती है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कहता है जब उसके फाटकों से प्रवेश करो तो धन्यवाद करते हुए, और उसके आंगनों में प्रवेश करो तो उसकी स्तुति करते हुए। कहता है जब भी उसके पास आते हो या जब भी उसके समीप रहते हो तो तुम उसके धन्यवाद करते रहो, उसकी स्तुति हमेशा गाते रहो। वचन कहती है उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कहता है हमेशा उसका धन्यवाद करो और हमेशा उसके नाम को धन्य ही कहते रहो, क्योंकि हर नामों में उसका नाम बड़ा है। इसलिए वचन कहती है कि हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो और हमेशा उसका नाम भी लो तो उसके नाम को धन्य कहो कि धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा, धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वचन कहती है कि यहोवा के वचन कहती है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। कहता है कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वह भला परमेश्वर है, और जो उसकी करुणा है वह करुणा हमेशा तक के लिए है। उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होने वाली है, उसकी करुणा उसकी दया कभी समाप्त नहीं होने वाली है। वह भला परमेश्वर है, हमेशा भली भली बातें हमें समझाता है और हमेशा हमारे जीवन में भलाई की आशीष देता है। इसलिए वचन कहती है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो उसकी सच्चाई है, उसकी सच्चाई कुछ दिनों के लिए नहीं है,
या कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसकी सच्चाई है। कहते उसके सत्य वचने कभी नष्ट होने वाली नहीं है। कहता है वचन में उसने कहा है, यह आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके जुबान से निकला हुआ जो शब्द है वह बिना पूरा हुए उसका बिंदु भी नहीं टल सकता। अवश्य है कि पूरा हो जाए, पूरा होकर रहेगा। इसलिए वचन कहती है कि जो उसके सत्य बातें हैं, सत्य वचने हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहने वाली है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाली। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर का जय जयकार करते रहो, उसकी आराधना करते रहो, उस परमेश्वर के समीप होने की कोशिश करिए, उसकी आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करिए, उसको जानो कि हम तुम्हारा परमेश्वर वही है, कोई और परमेश्वर नहीं है। और इस बात को जानो कि वही ने तुम्हें बनाया है और तुम उसी के हो। वचन में जो लिखा गया है कि हम उसकी प्रजा है और वह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी भेड़े, वह हमारा चरवाहा है। इसलिए अपने चरवाहे की तरफ हमेशा ध्यान दो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्यवाद, उसके काम का धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर या उसके जितने चाहने वाले हैं, हमेशा अनंत काल तक उसके ऊपर बनी रहने वाली है। यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की सच्चाई आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो अवश्य कि आप उसकी शरण लीजिए, उस परमेश्वर को धन्य कहिए। इसलिए आइए आँखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हमारे के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा, अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा और जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर, इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं तो बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि हे परमेश्वर, आज सुबह हर एक को तू अपने आशीषों से ढाप ले, कि हे परमेश्वर सबके सब तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात जो हर एक को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तूने हर एक को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष को बरसा, ताकि हर कोई हे परमेश्वर आज पूरे दिन तेरी आशीषों में संभला हुआ रहे, कि इनके इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई भी प्रकार के कलेश इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं इनके शरीर के ऊपर हो। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहे, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके शरीर का इलाज कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, जिसके हड्डियों में दर्द हो हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों में दर्द हो नसों का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जिसको मस्तक से संबंधित बीमारी है तो मस्तक की बीमारी निकल जाए, हे परमेश्वर जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो तो आंख की बीमारियां निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की सारी तकलीफें निकल जाए, हर जोड़ों जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि हे परमेश्वर इनके ऊपर अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां वह बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो बिल्कुल
नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़ी फुंसियाँ नष्ट होने पाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कहीं सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी अभी निकल जाए। जिसके जिसके मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसको बुद्धि की घटी हो उसकी बुद्धि, उसको बुद्धि प्राप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके गर्भ फलवंत हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहते हैं। जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार हो उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर न हो उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन न हो उसके चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जो बॉर्डर पे, हे परमेश्वर हमारे देश के नौजवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें हिम्मत और बल दे, उनके शरीर में ताकत दे, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर दे, ताकि अपने देश की सुरक्षा अच्छे ढंग से करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि स्वर्गदूत उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह जहाँ भी रहें सुरक्षित भले चंगे रहें। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर एक को आशीष दे, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जितने भी लोग हों, हे परमेश्वर हर कोई तेरे आशीष से भरे हुए रहे, हर कोई तेरे ज्ञान और बुद्धि को पाकर तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए, इस देश को अच्छे ढंग से चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इस भारत देश को आशीष दे, हे परमेश्वर हर प्रदेश को आशीष दे, हर जिले को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश और इस जिले के अंदर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर कोई तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन के हर अधिकारियों को तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर हर कोर्ट के न्यायाधीश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीष से भर जाए। हे परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मिक खुशियों को पाकर तृप्त होने पाए, इनके जीवन में चाहे जो कोई दुख हो आज यीशु मसीह तेरे नाम में वह नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपने हाथों में ले और आशीष से ढांप, क्योंकि वचन कहती है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। इन सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मान कर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटे और हे परमेश्वर ये तेरी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।